हेलो एवरीवन, नाउ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना एंड टुडेज टॉपिक इज रिचर स्केल एंड सिस्मोग्राफ। सो दिस इज अवर लास्ट सेशन स्टूडेंट। नाउ वी आर एंडिंग दिस चैप्टर फॉर दिस टू टॉपिक्स एंड देन वील स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द रिचर स्केल एंड द सिस्मोग्राफ। ओके, now student, last session you have seen that there are so many plates are there. So this is the Eurasian plate, Tibetan plates, this is Mount Everest plates, okay, and this is the call all the Middle East Indian plates, and these all plates have some movements we have seen in the last session. Okay, so movements of Indian earth plate we are seeing. Now let us take to the next topic. Now the power of the earthquake is expressed in terms of magnitude. What is called the magnitude? You have already learned the magnitude. आपको पता है magnitude क्या है, ठीक है? तो power of the earthquake is expressed in the terms of the magnitude on the scale called the Richter scale. यानी जो भी अगर भूकंप आता है तो उसको एक मापने का या मेजर करने का एक स्केल होता है, और वो स्केल को हम क्या कहते हैं? Richter scale. Really destructive earthquakes have magnitude. यानी कि जितने भी destructive earthquake होते हैं, destructive मतलब जो विनाशकारी है ना, विनाशकारी earthquake जिसे हम कह सकते हैं, earthquakes have magnitudes. वो कितने magnitude से आता है? Higher than of seven. यानी 7 के ऊपर के जितने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते ऑन द रिचर स्केल. ओके, बोथ भुज एंड कश्मीर, जैसे भुज और कश्मीर में जो आया था भूकंप, वो जनरली 7 के ऊपर ही थे, 7.5. अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, इजंट इट, ग्रेटर देन 7.5. और ये बहुत ही ह्यूज डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत जान माल की हानि होती है. ठीक है, चलो देखते हैं आज. अब द ट्रीमॉस प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब ये ट्रीमॉस क्या है, मैंने आपको पहले बताया, डिस्टर्बेंस, जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस, इजंट इट. द ट्रीमॉस प्रोड्यूस द वेव्स, जैसे जहाँ पे जैसा फोकस होता है, सपोज अगर ये फोकस है उसका और यहाँ से ऊपर तक आने जाए, जैसे ये ऊपर तक सरफेस तक आने तक इसका जो डिस्टेंस, तो ये वेव्स फॉर्म करता है, ये वेव्स फॉर्म करता है, इस वेव से के आधार पे वो फिर सरफेस पे आता है अर्थक्वेक. ठीक है, तो इसी कहते हैं वेव्स. द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द सिस्मिक वेव्स. क्या कहते हैं इसे? सिस्मिक वेव्स कहते हैं. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. इसी को एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ें, जिसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ. ठीक है, इज कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. फिगर नंबर 15.13, ठीक है, ये देख लीजिए 15.13. इस प्रकार का ये डिवाइस होता है, ये यहाँ पे पेपर रोल होता है जो हर समय निकलता रहता है 24 घंटे, और ये यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बना हुआ रहता है. इट इज़ अ वेरी डेलिकेट स्ट्रिंग एंड पेंडुलम बॉब इज देयर. और यहाँ पे एक पेन लगा हुआ रहता है, और जहाँ पे थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस होता है धरती में तो ये ऊपर नीचे होता है. दैट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है ये. ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ वाइब्रेटिंग सिस्टम. जैसे छोटा सा भी धक्का अगर उसको लगता है तो वो वाइब्रेट होने लगता है. द पेन रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स ऑन द पेपर विच मूव्स अंडर इट. ठीक है, वो पेपर से मूव होता है और पेन लिखना चाहिए. जैसे कार्डियोग्राम होता है हार्ट का, देखे होंगे ऊपर नीचे जो वेव्स आती है, इस प्रकार से अपने देखे होंगे, इस प्रकार के है ना, इस प्रकार से जो आती है, तो उस प्रकार से इसमें भी वही वेव्स या उसके अंदर वाइब्रेटिंग वेव्स लिखी भी रहती है. बाय स्टडिंग दिस वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक. इसी से वो कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक का हम समझते हैं. एशोज एंड फिगर 15.14 देखिए, इस प्रकार से ये देखिए, ये जो है ये फोकस है, यहाँ पे समझो डिस्टर्ब, यहाँ से ट्रीमॉस उत्पन्न हुआ, और फिर ये जो दिख रहे हैं व्हाइट लाइन्स, दीज आर द वेव्स, दैट इज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. ठीक है, और फिर ये ऊपर तक आता है, ये एपिसेंटर, ये हो गया उसका एपिसेंटर फोकस, और ये हो गया उसका एपिसेंटर, और ये हो गया उसका अर्थ सरफेस. ठीक है, इस प्रकार से वो काम करता है.
दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज द डिस्ट्रक्शन. इसी से ये वेव से ही पता चलता है कितना घातक होने वाला है या कितना नुकसान पैदा करने वाला है ये अर्थक्वेक. और इससे हमें पता चलता है एक्चुअली क्या होता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है, कुछ सेकंड्स में ही वो सब हो जाता है. अब देखो और टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड अगर ये पेपर पे अगर हम देखेंगे इस प्रकार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो बहुत ये है, ये जो बता रहा है आपका, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो होगा वो उतना उसका रिकॉर्डिंग होगा, जैसे 7.5, 7.6 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे तो 10 दिया, फिर यहाँ पे बिल्कुल, ये वैसे छोटे छोटे धक्के तो लगते रहते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड 24 घंटे होता है. ऐसा नहीं कि बस एक घंटा लगा दिया, ऐसा नहीं. दिस सिस्मोग्राफ वर्क्स 24x7, ठीक है, 24x7 ये वर्क करता है, ये कभी भी रुकता नहीं है. ये तो पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो समझ में आ गया, दिस इज़ द सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस एंड दिस इज़ द मैप ऑफ द अर्थ क्विक. इस प्रकार से मैप काम होता है, फिर यहाँ से वेव होते 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 ऊपर आती है और फिर हमें अर्थ क्विक महसूस होते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थ. अब क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्या उसके मेजर्स है, हम देखते हैं. वी नोट फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. सबसे पहली बात तो अर्थक्वेक आने वाला रहता है, ये हमें प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, है ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है, हमें पता रहता है कि कब आने वाला है, वो तो कुछ ही सेकेंड्स में आता है, कुछ ही सेकेंड्स में आता है और चला जाता है. तो कैसे हम आपको लोगों को पता कर पाए, इन्फॉर्म कर पाएंगे कि भैया अभी आने वाला है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी ऑल्सो have also seen that they can be highly destructive, और वो destructive भी बहुत होता है. It is therefore important that we take necessary precautions. इसीलिए हमें necessary precautions लेने होते हैं to protect ourselves all the time. अरे जहाँ पे हमें जैसे बताया था जापान में बहुत भूकंप आते रहते हैं, है ना? तो वहाँ की पीपल्स कैसे करते, उनके फोल्डिंग मकान होते हैं ना, और वो जल्दी से फोल्ड करके दूसरी जगह में चले जाते. तो इस प्रकार से वो, अब हमारे यहाँ तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब और कहाँ कितने बजे आने वाला है ना. तो पीपल लिविंग इन अ सेस्मिक जोन, अब ये सेस्मिक जोन मैंने बता दिया था, फॉल्टी जोन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे जमीन बहुत कच्ची रहती है, वीक रहती है, दैट इज़ कॉल्ड सेस्मिक जोन, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड. अब वहाँ पे ज़्यादातर जहाँ जहाँ आते रहते हैं बिकॉज वहाँ पे बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है और प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दिस जोन शुड बी डिज़ाइन दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रीमॉस. इस सारे ट्रीमॉस को सहन करने के लिए वैसे उनके मकान बनाए जाते हैं. मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल. अभी की जो टेक्नोलॉजी हो रही है वो पॉसिबल हम उससे कर सकते हैं. ठीक है, अब इट इज़ advisable to make the structure simple so that it is quake safe. अब इस प्रकार से बनाया जाता है अर्थक्वेक से सेफ हम रह सके और उनमें हमें जान माल की हानि ना हो, है ना? और पहला पॉइंट है उसमें कंसल्ट द क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स. सबसे पहले तो कंसल्ट करना है क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से और उसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर से. In highly seismic areas, the use of mud or the timber is better than using heavy construction material. अब जितने भी seismic area होती है वहाँ पर heavy material का लेने का कोई भी suggestion नहीं होता. वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल soft material लेने का. यानी heavy material ले लिया तो क्या हो जाएगा, cement, अगर cement ईट का मकान या cement का मकान या रेती का ये सब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, RCC structure बोलते हैं उसे, तो वो अब उस कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, बहुत हैवी हो जाएगा. तो ये लेने की सलाह नहीं दी जाती. कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल. आपका रूफ कैसा होना चाहिए, बहुत लाइट होना चाहिए, है ना, लाइट प्रूफ होना चाहिए. इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी. अगर आपका रूफ बहुत लाइट है, अगर वो गिर जाता है तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. Then other point is, it is the better if the cupboards and the shelves are fixed to the walls. Walls के अंदर में ही कबर्ड रहना चाहिए, कोई एक दूसरा ऐसे गोदरेज का या लोहे का कबर्ड वहाँ पर रखना नहीं चाहिए ताकि अगर वो गिर गया किसी के ऊपर तो और नुकसान हो जाएगा. तो बोर्ड कबर्ड कैसे होना चाहिए, दीवार में ही फिक्स वाले, सो डैट दे कुड नॉट फॉल इजिली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक. वॉल क्लॉक भी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत थोड़े से झटके से गिरे ना.
अगर किसी की वॉल क्लॉक बहुत बड़ी है ना, बहुत भारी है, तो वो बहुत ही प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा. फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा, सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल. तो इन सब चीज़ों को बहुत सेफ जगह, अच्छी जगह रखना चाहिए. लास्ट पॉइंट इज, सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कभी कभी अर्थक्वेक से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और फायर भी लग सकती है. इट इज़ नेसेसरी डैट ऑल बिल्डिंग, स्पेशली टॉल बिल्डिंग ना, हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर. तो ऐसे बहुत बड़ी अपार्टमेंट्स होती है, बहुत ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे ये फायर फाइटिंग, जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, आप देखते होंगे, है ना, रेड कलर के जो पाइप्स लगे हुए हैं पूरे, वो दैट इज़ द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स. अगर समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं. अब द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं CBRI. CBRI मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी, ठीक है, हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेजिस्टेंस हाउसेस. इस ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बताया है, क्या बनाया है उन्होंने, क्विक रेजिस्टेंस हाउसेस बनाने की टेक्नोलॉजी बताई है, और इस हिसाब से हमने घर बनाना चाहिए जहाँ भी सेस्मिक जोन है. इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. अब उसने कुछ कुछ बताया है पॉइंट्स, उसके हिसाब से आपको चलना है. क्या है, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर के अंदर हो तो क्या करना चाहिए. पहला पॉइंट, टेक शेल्टर अंडर द टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. टेबल के नीचे में आप चले जाओ, बैठ जाओ, ताकि आपको अगर आपके ऊपर कुछ गिरे तो वो आप सेफ रहो, है ना. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट. टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपके घर में हैं, जैसे अलमारियाँ अगर है, तो वहाँ से हट जाओ, दैट मे फॉल ऑन यू. थर्ड पॉइंट इज, इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप. अगर बेड पे है तो बेड के ऊपर ना सोए, बेड के नीचे चले जाए, क्योंकि इट प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो, और वो हेड बेड से आप उसका बचाव कर सकते हैं. अब सेकेंड पॉइंट है, इफ़ यू आर आउटडोर, अब आउटडोर में हो तो क्या करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स. क्लियर स्पॉट यानी अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से जैसे मैदान वाले खुली जगह में चले जाना. ट्री एंड ओवर हेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड. जैसे लाइटनिंग में बताया था, लाइटनिंग में ट्री पे नहीं जा सकते, लेकिन आप भूकंप के समय में लाइट ट्रीज के पास में भी जाना खतरा है. ट्रीज है बिल्डिंग्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स ट्रीज एंड ओवर हेड, ट्री और बिल्डिंग के बिल्कुल अवे हो जाओ, क्योंकि झाड़ आपके ऊपर भी गिर सकता है. और पावर पावर लाइन के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, है ना, पावर टावर होते हैं, उससे भी दूर हो जाओ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस, डू नॉट कम आउट. ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने लाइटनिंग में बताया था, तो कार और बस में वहीं पर ही बैठे रहिए. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू द क्लियर स्पॉट एंड डू नॉट कम आउट स्टिल द ट्रिमर स्टॉप. बिल्कुल भी डू नॉट कम आउट उसके अंदर से. ड्राइवर अगर आपका कार या बस में है तो अंदर ही रहिए, बाहर नहीं निकले जब तक ट्रिमोर उसका या डिस्टर्बेंस या अर्थक्वेक स्टॉप नहीं होता, ठीक है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा सेशन आज एंड होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड टुडे यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक्स ऑल्सो. ओके ओके बाय. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.